सवर्णों को आरक्षण दीजिए। चुनाव नजदीक आ गया है तो ले बिल लाने की आवश्यकता थी। चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो हम भी करते हैं। मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है और मैं भी होशियार हूँ। मतलब ये 124वां अमेंडमेंट बिल जो आ रहा है सवर्णों को आरक्षण देने का, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आरक्षण दलितों को आदिवासियों को देने का निर्णय लिया, ओबीसी को आरक्षण मंडल कमीशन के माध्यम से मिला। और मैं हमेशा बोलता था कि दलित पर अत्याचार होने का कारण ये है कि सवर्णों को लगता था कि इनको आरक्षण मिलता है, हमको क्यों नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं बार बार मांग करता रहा कि SC ST OBC के आरक्षण को धक्का ना लगाकर सवर्णों को आरक्षण दीजिए। और आज ये बिल आ गया है, बिल की चर्चा एक दिन में होती है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई इतने लेट क्यों लाया। तो चुनाव नजदीक आ गया है तो ले बिल लाने की आवश्यकता थी। और चुनाव जीतने के लिए जो भी करना चाहे तुम भी करो हम भी करते हैं। तुमको जो करना है वो करो, तुमको जितनी टीका करनी है उतनी करो, और अच्छा काम क्या करना है, 2-3 महीने में क्या क्या करना है, इसमें मोदी जी और अमित शाह बहुत होशियार है और मैं भी होशियार हूँ। लोगों को कैसा कन्विंस करना है, ठीक बात है। अभी 3 राज्यों में हार गए, 15-15 साल छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में सरकार थी, लोगों को थोड़ा बदल करने की भावना होती है। और राजस्थान में 5 साल के बाद एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता ही था तो वो बदल होना ही था। लेकिन तो भी बीजेपी ने बहुत बड़ी कांटे की टक्कर दे दी है, आपको पूरी मेजोरिटी नहीं मिली है। आप लोग बोल रहे हैं कि भाई 2019 में ये नहीं आएगी वो नहीं आएगी, तो आप कैसे आएंगे, हम नहीं आएंगे तो आप कैसे आएंगे। मतलब आएंगे मतलब तुम्हारे 3 मिनट हो रहे हैं, पार्टी और सपा और बसपा एक साथ आए हैं, 3 मिनट हो रहे प्लीज। सपा बसपा एक साथ आए, अच्छी बात है कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे लेकिन अभी मित्र बन गए हैं। शुरू में कांशीराम जी और मुलायम सिंह यादव जी एक साथ आए थे, उन्होंने एक साथ रहना चाहिए था लेकिन वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ से चले गए। अभी साइकिल और हाथी एक साथ आया है, अभी साइकिल पर हाथी बैठता है कि नहीं मतलब जो भी है, लेकिन आप लोग आए गए, ठीक बात है, आप कोशिश करो। उत्तर प्रदेश में आप लोग एक साथ आए, अच्छी बात है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। अगर बसपा अगर सपा के साथ चली गई है तो उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी। एक जमाना था कि हमारे RPI के 4 मंत्री थे, हमारा था वो हाथी सिंह आपके पास आया है और हाथी मेरे तरफ देख रहा है, उनको उधर खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और उनको लग रहा है कि भाई मंत्री बन गए इधर थोड़ा खाने के लिए मिलेगा। देखते हैं, आपकी पार्टी बड़ी है, मेरी पार्टी छोटी है। हमारी पार्टी मिश्रा जी, आपकी पार्टी बड़ी पार्टी है। और दलित और ब्राह्मणों का जब बहुजन समाज पार्टी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था तब मैं बोलता था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ब्राह्मण जाति का विरोध नहीं किया है, ब्राह्मण ने बवाद का विरोध किया है। और इसीलिए मतलब आप लोग अभी आप सब लोग एक साथ आए हैं, तो अच्छी बात है, आप लोग कोशिश करो। आप लोग बीजेपी के साथ, मायावती जी के बारे में हमको आदर है, हमारे समाज की बहुत बड़ी हमारी बहन है, बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर है, 4 बार मुख्यमंत्री रही है, लेकिन मिश्रा जी 3 बार बीजेपी का सपोर्ट लेकर मायावती मुख्यमंत्री बनी। मानी आठवाले जी इधर देखे, मानी आठवाले जी चेयर की तरफ देखकर बोले और बात खत्म करें। आपके तरफ भी मैं देखता हूं, खत्म करें। नहीं नहीं, मैं आपकी तरफ बात खत्म, थोड़ा थोड़ा इनके तरफ देखना पड़ेगा मुझे, कृपया अपनी बात खत्म करें। समय मतलब नहीं, ठीक बात है। तो मायावती जी 3 बार बीजेपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बनी थी, इसीलिए मुझे लगता है कि भाई दलित विरोधी का नारा देना ठीक नहीं है। आप लोग दूसरा आरोप कर दीजिए, आज बीजेपी दलितों की है, बहुजनों की है, ये बिल में अल्पसंख्यकों भी मतलब या ले लिया है, हिंदू हो क्रिश्चियन हो, कृपया कंक्लूड करें, अपनी बात कंक्लूड करें, कृपया। आठवाले जी आप चेयर की ओर देखकर अपनी बात खत्म करें, अपनी बात खत्म करें, कृपया अपनी जगह बैठें।
हैं।